हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान रथ चैनल पर। आज आपके लिए जो ये वीडियो लेके आया हूँ, इसमें जो आपका दिसंबर में आरपीएफ का जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एसआई और जो कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है, तो उसके जो प्रीवियस ईयर्स पेपर थे तो उसकी सीरीज है ये। उसमें जो 2015 का जो आरपीएफ का फरवरी 2015 में जो पेपर हुआ था, तो उसके जीएस और जीके के क्वेश्चंस को लाया गया है। इसमें आज कुछ कम क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि ये आपको कैसा लगता है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं कि इसकी आगे की सीरीज जारी रखनी है कि नहीं रखनी है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक ज्ञान रथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर ज्ञान रथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये फायदा होगा, जब कभी नई वीडियोज अपलोड की जाएंगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आरपीएफ के रेलवे के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो 2015 में हुआ था। तो देखते हैं इसका आज का पहला क्वेश्चन। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आपको बताना है किसकी बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर इनमें से सबसे ज्यादा है। ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश या डी असम। और इसका सही जवाब है, इनमें से जो जिसकी सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। तो इन चार में से अरुणाचल प्रदेश की जो है सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या गुरु तेग बहादुर। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव। तो सिख धर्म के संस्थापक ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव थे। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से जो ग्रह है किसकी सतह ठोस नहीं है, बृहस्पति, मंगल, बुध या शुक्र। और इसका सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। जो बृहस्पति जो ग्रह है, जिसे जुपिटर बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसकी जो सतह है वो ठोस नहीं है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह का नाम मैंग्रोव ट्री के नाम पर रखा गया है? जहां पर मैंग्रोव वन होते हैं तो उसके नाम पर ही वहां का नाम मैंग्रोव ट्री के नाम पर पड़ा। तो आपको बताना है वो कौन सी जगह है, वृंदावन, नीलगिरी, सुंदरवन या मधुबनी। और इसका सही जवाब होगा, जहां पे मैंग्रोव ट्री होते हैं, जैसे आपको पता भी होगा, ये है सुंदरवन। जो सुंदरवन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में है। अगर पूछा जाए कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे, तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष मैंग्रोव ट्री होते हैं, इसी कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर। और इसका सही जवाब है, जो भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह पूछा जाए कि यह डे किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, तो उनकी जन्मतिथि के रूप में हम 31 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती का पारंपरिक रूप सुमो कहाँ से रिलेटेड है? आपको बताना है कि जो सुमो कुश्ती खेली जाती है वो कहाँ पर खेली जाती है। ऑप्शन है साउथ कोरिया, चाइना, जापान या मंगोलिया। तो आप सभी जानते होंगे जो सुमो पहलवान होते हैं और जो सुमो कुश्ती खेली जाती है वो ऑप्शन नंबर सी, जापान में खेली जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो सुमो कुश्ती होती है वो जापान से रिलेटेड है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी था? आपको बताना था कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहां या शेर शाह सूरी। और इसका सही जवाब होगा, जो अमीर खुसरो था वो आपका अलाउद्दीन खिलजी के जो है दरबार में रहता था। तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। ये सारे क्वेश्चन आपके 2015 का, जो आपका फरवरी 2015 में आरपीएफ एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछे गए थे। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी को चिकित्सा में टाइप 1 व टाइप 2 में वर्गीकृत किया गया है? तो आपको बताना है रतौंधी, हेपेटाइटिस बी, मधुमेह या कॉमन कोल्ड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी को टाइप 1 व टाइप 2 में वर्गीकृत किया गया है। और इसका सही जवाब होगा, जो मधुमेह यानी डायबिटीज होती है उसको टाइप 1 और टाइप 2 में जो है विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भू आबद्ध नहीं है? भू आबद्ध मीन्स हो गया लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं, तो कंबोडिया, अफगानिस्तान, मंगोलिया या लाओस। और इसका सही जवाब है, जो कंबोडिया, कंबोडिया जो है भू आबद्ध देश यानी लैंड लॉक
कंट्री नहीं है। भूआबद्ध का मतलब होता है जैसे ये कोई देश है, इसके चारों तरफ स्थल भाग होना चाहिए, मतलब जो चारों ओर भूमि से घिरा हो उसे भूआबद्ध बोलते हैं। तो कंबोडिया जो है आपका भूआबद्ध नहीं है, बाकी अफगानिस्तान, मंगोलिया और जो लाओस है, ये तीन के तीन देश चारों ओर से जो है भूमि से घिरे हैं, इसलिए ये लैंड लॉक्ड है, कंबोडिया नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार हिल पैसेंजर रेलवे की शुरुआत 1881 में कहाँ पर हुई? आपको बताना है कालका, शिमला रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे या कोंकण रेलवे। तो आपको बताना है 1881 में हिल पैसेंजर रेलवे की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई, और इसका सही जवाब होगा जो 1881 में हिल पैसेंजर रेलवे की सबसे पहले शुरुआत आपकी ऑप्शन सी, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। तो आप इसका सही जवाब है जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे था, यहाँ पर सबसे पहले 1881 में हिल पैसेंजर रेलवे की शुरुआत हुई। तो ये थे आपके जो 2015 में जो जीएस जीके क्वेश्चन, जो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 2015 का जो फरवरी में पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके आगे की सीरीज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की जारी रखनी है कि नहीं रखनी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो लोग अभी ज्ञान रथ चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर ज्ञान रथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।